एपिसोड 318 चौकन्ने रहना। ध्रुव ने जब उस गुफा का जिक्र किया तो पुरोहित घबरा कर बोला, वो जगह तो मृत्युशाला है। मृत्युशाला? ध्रुव लगभग चौंक कर बोला था और फिर उसने पूछा, ये मृत्युशाला क्या है? पुरोहित बोला, मृत्युशाला वो जगह है जहाँ पर कैदियों को मृत्यु दी जाती थी। ध्रुव हैरानी से बोला, कैदियों को मृत्यु? कौन से कैदियों को मृत्यु दी जाती थी वहाँ? और अगर वो कैदियों को मृत्यु देने वाली जगह थी तो फिर उस जगह को माई धार्मिक स्थल कैसे कह सकती है? पुरोहित ने कहा, दरअसल कैदियों को मृत्यु देना तो एक बहाना था। हर कुछ दिनों पर कुछ लोग किसी न किसी जुर्म में गिरफ्तार कर लिए जाते थे और उन पर कोई ना कोई आरोप लगाकर उन्हें कैदी घोषित कर दिया जाता था और उसके बाद उन्हें उस गुफा में, जो कि मृत्युशाला के नाम से प्रसिद्ध थी, वहां ले जाया जाता था और उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया जाता था। लेकिन ये भी अपने आप में पूरा सच नहीं है। पुरोहित की कही बात ध्रुव को पूरी तरीके से समझ नहीं आ रही थी और उसने कहा, क्या कहना चाहते हैं आप? ये पूरा सच नहीं है मतलब? सच क्या है? आप स्पष्ट तौर पर बता सकते हैं मुझे उस जगह के बारे में? क्योंकि उस जगह से मेरा और मेरे दोस्तों का भी संबंध जुड़ गया है, इसलिए मेरा उस जगह के बारे में सब कुछ जानना बेहद जरूरी है। पुरोहित ध्रुव के साथ चलते चलते बोला, दरअसल उस जगह पर जिन लोगों को ले जाकर मौत की सजा दी जाती थी, ना तो उनके शव मिलते थे और ना ही कभी उस जगह से कुछ ऐसा आभास हुआ कि वहां किसी को मौत के घाट उतारा गया हो। ना कोई बदबू, ना किसी तरीके का कोई रक्त या रक्त का नामो निशान। और अगर ये माना जाए कि वहां फांसी दी जाती थी तो भी शवों का कुछ तो करते होंगे, लेकिन कभी भी उस जगह से किसी का शव नहीं मिला। उस जगह के बारे में ये अफवाह थी कि उस जगह पर जिन लोगों को ले जाया जाता था, मृत्यु की सजा के नाम पर वो लोग वहां से गायब हो जाते थे। बल्कि एक और चौंका देने वाली बात थी, हर बार मृत्यु दंड देने के लिए कुछ नए लोग जाते थे, क्योंकि पुराने जो गए होते थे वो कभी लौट कर ही नहीं आते थे। कहने का मतलब ये है कि कैदियों के साथ साथ उन्हें सजा देने वाले भी वहां से गायब हो जाते थे। और फिर एक बार ऐसा आया कि महाराज अपने पूरे परिवार के साथ ही गायब हो गए और उसके बाद उस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और कोई वहां नहीं गया। मेरे पिताजी ये कहानी सुनाया करते थे। उसके बाद से कभी भी उस जगह के बारे में किसी के मुंह से चर्चा नहीं सुनी। इतने वर्षों बाद आज आपके मुंह से उस जगह के बारे में सुनकर मैं हैरान हूँ। और ये जानकर कि उस हवेली की वो बूढ़ी औरत उस जगह को अपना धार्मिक स्थल बताकर वहां आप लोगों को लेकर जाती है, ये सोचने की बात है। ध्रुव और पुरोहित जी मंदिर के बाहर तक आ चुके थे और वक्त भी काफी गुजर चुका था। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ आसमान में चमक रहा था। ध्रुव ने टाइम देखते हुए कहा, आपसे बातें करने में और ये सारी जानकारी सुनने में समय का अंदाजा ही नहीं रहा, अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर ध्रुव जैसे ही आगे बढ़ने लगा, पुरोहित ने कहा, श्रीमान मेरी माने तो आप लोग यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाइए, क्योंकि आपकी बातें सुनने के बाद मुझे आपका और आपके मित्रों की जान पर संकट नजर आ रहा है। पुरोहित की बात सुनकर ध्रुव मुस्कुरा उठा और मंदिर की तरफ इशारा करके बोला, जैसे इनकी माया, मेरी बागडोर तो इन्हीं के हाथों में है, जैसे जैसे ये चलाते हैं मैं चलता हूँ। अगर मुझे फिर किसी चीज की जानकारी की जरूरत हुई तो क्या मैं आपसे संपर्क कर सकता हूँ? पुरोहित ने कहा, जी जरूर, अगर मुझे उस बारे में कोई जानकारी हुई तो मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। पुरोहित की बात सुनकर ध्रुव मुस्कुरा उठा और उसने अपने हाथ पुरोहित के सामने जोड़ दिए और पीछे मुड़कर जैसे ही अपने कदम बढ़ाए कि पीछे से पुरोहित ने कहा, श्रीमान एक क्षण रुकिए। ध्रुव ने सवालिया नजरों से पुरोहित की तरफ देखा और पुरोहित ध्रुव के चेहरे में कुछ ढूंढने की कोशिश करता हुआ बोला, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूँ, महादेव के चरणों में रहकर जो कुछ भी सोचने समझने लायक शक्ति अर्जित कर पाया हूँ उसका उपयोग करके आपके चेहरे को देखकर मैं एक बार फिर कहता हूँ, आप मुझे कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगते, क्योंकि मेरे पूरे जीवन काल में अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे मन में किसी व्यक्ति के लिए इस तरह श्रद्धा उमड़ रही हो, और वो भी उस व्यक्ति के लिए जो मुझसे आयु में बहुत छोटा है। अगर मेरा विवाह हुआ होता तो शायद आपकी उम्र का मेरा पोता होता। और ध्रुव ने पुरोहित की आंखों में देखते हुए कहा, ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं एक साधारण मानव हूँ। इतना कह सकते हैं कि महादेव अपनी विशेष कृपा जरूर रखते हैं इस बालक पर, महादेव ने चाहा तो फिर भेंट होगी। इतना कहकर ध्रुव बिना वहां रुके पीछे पलट कर चला गया। रास्ते भर ध्रुव पुरोहित की कही हुई बात के बारे में सोचता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी बात कहां से चलकर कहां जुड़ रही है और छोड़ रही है। अपने ख्यालों में गुम ध्रुव को पता नहीं चला कि वो कब घर तक पहुंच गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि सब तैयार होकर बैठे थे
और बड़ी बेचैनी से ध्रुव का ही इंतजार कर रहे थे। ध्रुव को देखते ही विक्की बोला, कहाँ चला गया था तू सुबह सुबह? देख तो कितना टाइम हो रहा है, अब तक हमें पूजा करके लौट आना था और फिर हमें पिकनिक के लिए भी जाना है, और तू है कि ऐसे गायब हो जाता है, और तो और फोन लेकर भी नहीं गया, कम से कम फोन लेकर तो जाया कर, ध्रुव ने विक्की से कहा। दरअसल मेरी नींद जल्दी खुल गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना आसपास घूमा, बस इसलिए निकल गया था, और ये जगह इतनी सुंदर है कि पता ही नहीं चला कि वक्त कब निकल गया। ध्रुव की बात पर माई ने ध्रुव को घूरते हुए देखकर कहा, ये जितनी खूबसूरत है उतनी खतरनाक भी, अनजान जगह पर इस तरह हर बार यहाँ वहाँ निकल जाना सही नहीं होता। वैसे मुझे तो लगा था कि कहीं तुम चले तो नहीं गए, मुझे लगा कि क्या पता हम तुम्हें पूजा में सम्मिलित नहीं कर रहे हैं तो इससे तुम्हें बुरा लग रहा, और तुम बिना बताए चले गए। माई की बात पर ध्रुव हंस पड़ा और हंसता हुआ बोला, मैं इस तरह जाने वालों में से नहीं हूँ माई, फिक्र मत करिए, मैं कोई काम अधूरा छोड़कर नहीं जाता, मेरा मतलब है पूजा अधूरा छोड़कर। और फिर अपने मन में बोला, ना मैं पूजा अधूरी छोड़कर जाऊंगा, ना मैं पूजा की आड़ में हो रही गतिविधियों को अधूरा छोड़कर जाऊंगा। अनन्या ने जब देखा कि इन लोगों की बात अब बहस का रूप ले रही है तो उसने कहा, ओके ओके ठीक है गाइस, अब ध्रुव आ गया है तो हमें जल्द से जल्द निकलना चाहिए, अब हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अभी नहीं देर हो रही क्या किसी को? अरुण ने कहा, हाँ बिल्कुल माई, अनन्या ठीक कह रही है, अब जल्दी कीजिए, फिर बच्चों को भी निकलना है। और माई ने हाँ में अपना सिर हिलाया और घर से निकल गई। माई के पीछे पीछे ही बाकी सब निकल गए। इससे पहले कि ध्रुव बाहर की तरफ बढ़ता, अनन्या ने ध्रुव की कलाई पकड़ ली। ध्रुव ने अनन्या की तरफ देखा तो उसने पाया कि अनन्या कुछ परेशान है। ध्रुव ने अनन्या से पूछा, क्या बात है अनन्या, तुम कुछ परेशान लग रही हो, कुछ कहना चाहती हो? अनन्या ध्रुव के एकदम करीब आकर खड़ी हो गई और बोली, मैं तो जरूर कुछ कहना चाहती हूँ ध्रुव, लेकिन उससे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो मुझे? और ये सुनकर ध्रुव थोड़ी देर के लिए तो खामोश हो गया और फिर उसने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम किस बारे में बात कर रही हो। अनन्या बोली, जब से हम यहाँ आए हैं मैं गौर कर रही हूँ तुम परेशान लग रहे हो। जब हम पाली से निकले थे तो मुझे एक उम्मीद थी कि जगह बदल जाने के बाद तुम वहाँ की सारी चीजें भूल जाओगे और हम एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ आकर तो तुम मुझे पाली से भी ज्यादा उलझे हुए और गुमसुम से लगते हो। हर वक्त लगता है जैसे तुम कुछ ढूंढ रहे हो, और सच बताऊं आज भी जब तुम बाहर गए हो और आए हो ना, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम यहाँ की खूबसूरती को निहारने गए थे, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी न किसी वजह से ही बाहर गए थे। इससे पहले कि ध्रुव कुछ बोलता, अनन्या ने ध्रुव का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, कुछ बोलो मत, बस अभी मेरी बात सुनो ध्रुव। देखो मैं नहीं चाहती कि यहाँ कोई ऐसी चीज हो जो हमारे लिए मुसीबत बने। ध्रुव ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? अनन्या ध्रुव की आंखों में देखकर उसके हाथों को अपने करीब करते हुए बोली, मेरा मतलब है जैसे पाली में हमसे एक बेवकूफी हुई थी, मजाक मजाक में सही, लेकिन उसका भुगतान हमें बहुत भारी कीमत चुकाकर करना पड़ा। मैं नहीं चाहती कि तुम विक्की या तारा कोई भी अपनी उत्सुकता में आकर कोई ऐसी चीज कर दो कि यहाँ भी हम उलझ जाएं। हम यहाँ जो काम करने आए हैं वो करके सीधा लौट जाएंगे, तब तक किसी चीज को मत छेड़ना और कुछ ऐसा मत करना कि माई नाराज हो जाए। अनन्या की बात ध्रुव को बहुत रहस्यमयी लग रही थी। ध्रुव ने अनन्या के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और बोला, सच कहूं अनन्या, माई का तो पता नहीं, लेकिन माई से ज्यादा इस वक्त मुझे तुम रहस्यमयी लग रही हो। मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारी बातें जो सुनाई दे रही हैं, समझ कुछ और ही आ रही है। अनन्या ने अपनी नजरें झुका ली और बोली, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, दरअसल माई ने मुझे कहा है तुमसे ये सब कहने के लिए। माई को लगता है तुम लोग यहाँ पूजा के अलावा भी कुछ कर रहे हो, और उन्हें पसंद नहीं है कि उनकी जिंदगी में या उनसे जुड़ी किसी चीज में कोई बेमतलब छेड़छाड़ करे, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम लोगों से साफ शब्दों में कह दूं कि यहाँ मेहमान बनकर आए हो और मेहमान बनकर रहो, और मेहमानों की तरह ही यहाँ से विदा हो जाओ। ध्रुव गहरी सांस लेकर बोला, हाँ अच्छा तो ये बात है, माई को हमारी चीजों से दिक्कत आ रही है, ठीक है तो अगर तुम और माई चाहो तो हम कहीं और रह लेंगे, वैसे भी करण कह रहा था कि मैं उसके साथ खुश रहूं। ध्रुव की इस बात पर अनन्या ने तुरंत कहा, नहीं मेरा वो मतलब नहीं है, तुम में से कोई कहीं नहीं जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हम आराम से रहकर अपना काम करते हैं, इंजॉय करते हैं, क्यों बेमतलब में माई की पर्सनल लाइफ में किसी तरीके की दखलंदाजी करना, तुम समझ रहे हो ना, और प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानना। ध्रुव अनन्या के कंधे पर अपना हाथ रखकर मुस्कुरा कर बोला, मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगता अनन्या, और ना ही उस बात का लगा है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी फिक्र, और अच्छा किया तुमने मुझे ये सारी बातें बता दी, हम आगे से ध्यान रखेंगे कि माई को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो और तुम्हें हमारी वजह से कुछ ना सुनना पड़े।
ध्रुव की इस तसल्ली पर अनन्या सुकून से बोली, मुझे पता था ध्रुव मेरी बात जरूर सुनोगे, और इसीलिए मैं तुम्हें अकेले में बता रही हूँ, क्योंकि विक्की अगर उसके सामने कुछ बात करती तो वो पता नहीं बात को कहाँ से कहाँ ले जाता। ध्रुव बोला, ठीक है आओ चले। अनन्या और ध्रुव वहां से बाहर आ गए। तब तक सब लोग काफी आगे जा चुके थे, कोई उन्हें नजर नहीं आ रहा था। अनन्या ने कहा, जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा, लगता है वो लोग काफी आगे निकल गए हैं। ध्रुव और अनन्या फुर्ती से आगे बढ़ रहे थे, जल्द ही उन्हें बाकी सब जाते हुए दिखे। जल्दी जल्दी ये लोग भी जब सबके साथ पहुंचे तो विक्की ने मजाक करते हुए कहा, कमाल की बात है, ऐसे तो बहुत दिखाते हो कि एक दूसरे से दूर दूर रहते हो, और मौका मिला नहीं कि। विक्की की बात को बीच में काटती हुई अनन्या बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ध्रुव से कुछ बात की है, वो तुम लोगों को भी बता देगा और समझा भी देगा, और तू विक्की ओवर रिएक्ट मत करना। अपनी बात खत्म करके अनन्या आगे माई के साथ चलने लगी, और पीछे से विक्की और तारा सवालिया नजरों से ध्रुव की तरफ देखने लगे। ध्रुव ने शॉर्ट में उन्हें वो सारी बातें बताई जो अनन्या ने उससे कही थी, और विक्की बोला, हमारी बला से हमें क्या पड़ी है माई के जिंदगी में ताक झांक करने की। लेकिन ध्रुव की बात से तारा के मन में एक शक बैठ गया। तारा ध्रुव की तरफ देखकर अपने मन में बोली, ध्रुव की बातों से मुझे पता नहीं क्यों अनन्या पर शक हो रहा है, जैसे इन सब में अनन्या का भी रोल है, लेकिन नहीं, अनन्या का इन सब से क्या लेना देना हो सकता है। पाली में अनन्या के साथ जो कुछ भी हुआ वो इसलिए क्योंकि अनन्या बंजारन के प्रभाव में थी, लेकिन यहाँ। तब तक सब लोग गुफा के बाहर पहुंच चुके थे। गुफा के बाहर पहुंच कर ध्रुव ने तारा और विक्की से कहा, तुम दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है, और एक बात, कल मैंने तुम लोगों से कुछ कहा था, मैंने तुम्हें एक सुरक्षा घेरा दिया था, याद है 24 घंटे के लिए वो तुम्हारे साथ है। 24 घंटे अब तक पूरे नहीं हुए हैं, और अगर गुफा के भीतर तुम्हारे साथ कोई माया होती है जिसकी वजह से तुम वहाँ कुछ ना देख पाते हो ना महसूस कर पाते हो, तो वो नहीं होगा। बहुत चौकन्ना रहना और हर एक चीज को ध्यान से देखना, बाकी मैं तो हूँ ही, मैं अपने तरीके से आगे की चीजों को देखता हूँ।